कैसा? अरे भाई साहब, अगर वो कहीं और से आसमान से ले जाए सर हमारी, आप क्यों जबरदस्ती हल्ला गुल्ला करते हैं? जब आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस जमीन के ऊपर ये इन्होंने ये कार्रवाई सर विधानसभा के समय। हाँ भाई साहब, न्यायालय तक हो, न्यायालय तक रहो, खारिज कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, अगर जवाब नहीं दोगे तो। वीडियो सूचना पत्र पक्षकार बनाया सर, नगर पालिका निगम पक्षकार बनाया क्या? सीधा जवाब दो मेरे, नहीं मना पाया फिर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे। नमस्कार सर, जी बताइए। सर मैं आपका जो है 37 नंबर पन्ने के माध्यम से अपना पक्ष रखना श्रीमान के समक्ष है। क्या चीज सर? 37 नंबर जो पन्ना है उसमें एक नजरी नक्शा है सर, अपने सर के माध्यम। केस क्या पहले तो बताइए सर। मेरी भूमि के पड़ोस में से सर एक मार्ग दर्शित करा गया जो राजस्व रिकॉर्ड पर और मौके पर नहीं है। तो संबंध में सर मैं 11/10/2010 से माननीय न्यायालय से निवेदन करते आ रहा हूँ सर, श्रीमान के समक्ष इसलिए हाजिर हुआ हूँ सर अपने। ये तो 24 की पिटीशन है, तो 11/10/2010 से क्या कर रहे हैं? WP 23648 में सर आदेश पारित हुआ 29 अगस्त 2023 को सर अपने। आप वैसे शुरू से बताएंगे तो मुझे जल्दी समझ में आ जाएगा सर। सर 37 नंबर पन्ने के माध्यम से सर अपना 37 नंबर पन्ने पे आए, ठीक है। सर इसमें एक नजरी नक्शा सर है अपने। सर इसमें आवेदक की भूमि जो है आपने आपने पिटीशन लगाई थी जी सर 23648 उसके सर, समय फिर उसमें बहस करने कोई नहीं आया जी सर। इसमें कोर्ट है, न्यायालय ने सर अपने कलेक्टर खंडवा को सर एक डायरेक्ट कोई बात नहीं, बहस करने कोई नहीं आया जी। असली कुछ बातों को छुपा क्यों जाते हो? तो न्यायालय ने ये कहा कि जॉइंट डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ने कुछ आदेश दिया है, कुछ लेटर भेजा है जी, उसके ऊपर Annex 4 का सर डिसाइड करने के लिए निर्देशित कर दिया डायरेक्टर खंडवा को सर अपने। सर इस संबंध में सर मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ सर अपने, सर एक संक्षिप्त में अपना ये क्या कहना क्या चाहते, सरकारी जमीन के ऊपर क्या इंक्रोचमेंट है? सर आवेदक की भूमि के पड़ोस में 216 शासकीय मार्ग है, जो शासकीय मार्ग है वो 4 मीटर है और अतिक्रमण मुक्त है सर, ये निर्विरोध है सर, अपने शासन भी इस चीज को स्वीकार कर रहा है सर। इसके पूर्व में सर लगा 214 गांधीनगर जो कॉलोनी है उसके 12 मीटर मार्ग को देखते हुए सर अपने ऊपर जो उत्तर दिशा में जो कॉलोनी जो है हरिहर कुंज कॉलोनी फेस 1 फेस 2 और विनायक सिटी जो कॉलोनी है लगभग 650 प्लाट की कॉलोनी है उसको सर पहुंच मार्ग बतलाते हुए परमिशन जारी की गई है। सब सिर्फ कागजों में सर 12 मीटर मार्ग है, ना तो राजस्व रिकॉर्ड पर 12 मीटर मार्ग है ना मौके पर 12 मीटर मार्ग है सर। सर आपको क्या तकलीफ है? सर सर जहाँ से सर ऑटो निकल रहा है वहां से आप ट्रक निकल रहे हैं तो स्वाभाविक बात है सर मेरी जमीन पर सर अपने उसका। जब आपकी जमीन पे आएंगे तब बात करेंगे। तो सर वहां पर जगह ही नहीं सर अपने, ना होगी जब आपकी जमीन के ऊपर ये भेजा कब्जा करेंगे तब बात करेंगे। तो सर अपने आपका 12 मीटर मार्ग जो परमिशन देख के दिए आधार क्या सर? अरे भाई साहब, अगर वो कहीं और से आसमान से ले जाए तो सर, अगर वो 4 मीटर के ऊपर वो अपना फ्लाईओवर बना दे तो सर वो आपकी जमीन के ऊपर जिस दिन वो भेजा कब्जा करेंगे उस दिन आपको हम बिल्कुल रोक देंगे इनको। सर भूमि विकास अधिनियम 39 है उसमें स्पष्ट लिखा है सर अपने कि मुख्य मार्ग से कॉलोनी की दूरी 300 मीटर है तो 12 मीटर मार्ग रखना अनिवार्य है सर अपने। सर कब सपोज वहाँ कुछ घटनाक्रम घटित होती है सर अपने, आज 600-700 प्लाट के आप कहते हैं 12 मीटर ना रख के 4 मीटर ही रहने दो जी। सर आपका कहना 12 मीटर ना रख के 4 मीटर ही रहने दो। सर नियमों का सर जो परमिशन दी है, आप खुद ही कह रहे हो कि 12 मीटर की तो भूमि विकास नियम में है। सर जो हरिहर कुंज कॉलोनी जो है जो परमिशन, आपने परमिशन को चैलेंज किया है क्या? सर वो अपने नगर निगम में सूचना पत्र जारी करा है सर अपने विधिवत रूप से सर। भाई साहब पिटीशन इस तरीके से नहीं फाइल होती है सर। मैं सीमांकन की मांग कर रहा हूँ कि सर आपके सीमांकन की जिस दिन आपकी जमीन के ऊपर छेड़खानी होगी बिना एक्वायर किए हुए उस दिन न्यायालय से निवेदन मेरा यह है कि मेरी सीमांकन कराना है तो तहसीलदार के यहाँ जाइए। मुझे विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है सर अपने अपने। क्यों? क्योंकि सर मेरी जमीन के पूर्व में लगा 216 शासकीय मार्ग है जो 4 मीटर मार्ग है और उसके पूर्व तरफ भुया जो है उसमें से 12 मीटर मार्ग बतलाया गया सर अपने। सर आपको क्या लेना देना है यार, आपकी जमीन के ऊपर तो कुछ भी नहीं हो रहा ना। सर मैं इफेक्टेड हो रहा हूँ सर, वहाँ पर 700 प्लाट धारक जो है आएंगे जाएंगे कहाँ से सर, उसका एंक्रोचमेंट है सर अपने।
जो मुझे उससे मतलब नहीं है, जिस दिन आपकी जमीन को टच किया जाएगा उस दिन आपके लिए कॉज ऑफ एक्शन स्टार्ट हो जाएगा। श्रीमान मेरा निवेदन आपसे यह है कि सभी परमिशनों में 12 मीटर मार रखना अनिवार्य रूप से लिखा गया है। तो सर जो आपने बताया था उसका आधार मुझे सीमांकन करके बतला दें, उपकार रहेगा सम्माननीय न्यायालय का। नहीं, उपकार हमने नहीं करना, आपके अधिकार होगा तो आपके अधिकारों की सुरक्षा करनी है सर। अधिकार हमने उपकार नहीं करने हैं सर, न्यायालय सर आप नहीं नहीं उपकार के लिए नहीं होती, अधिकारों की सुरक्षा के लिए होती, इससे ज्यादा नहीं होती। एक्चुअली सर इनमें पूर्व कल आप मुझे ऑर्डर भी कराया सर। मिस्टर आप मुझे ये बताइए कि आपकी जमीन पे छेड़खानी हुई है क्या? जी सर अपने हो रही है सर अपने। क्या हो रही, कहाँ लिखा है? वहां से आड़े दिन विवाद होता है सर हमारी। आप क्यों जबरदस्ती हल्ला गुल्ला करते हैं? जब आप मुझे ये बताइए कि आपकी इस जमीन के ऊपर ये इन्होंने ये कार्रवाई करने की कोशिश की सर, दो बार में जमीन पर अतिक्रमण कराया जिस पर माननीय न्यायालय के आदेश। किसने किया अतिक्रमण? हरियर कुंज कॉलोनाइजर ने सर अपने। कॉलोनाइजर ने करा जी। आप सड़क के ऊपर आपके आपत्ति लगा रहे हो जी सर। मेरी जमीन पर सर अवैध रूप से सर मार्ग बनाया गया है सर, मैं मान। कहाँ मार्ग बनाया गया, किसने बता दो ना। हाँ एक सेकंड सर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा सर। सर विधानसभा के समय। हाँ भाई साहब, सर उसमें न्यायालय तक हो, न्यायालय तक रहो, उसमें स्पष्ट लिखा सर प्रति व्हाटएवर इट इज। आप कोर्ट में आए, कोर्ट की भाषा में बात कीजिए सर मुझे। राइट आपके जमीन के ऊपर आपका पूरा संवैधानिक अधिकार है जी। राइट जी सर, इस बारे में एक प्रश्न एक प्रतिशत भी संदेह नहीं होना चाहिए, ना आपको ना मेरे को। जी सर, जी सर। आपकी जमीन के ऊपर बिना उसको एक्वायर किए हुए या खरीदे हुए जी कोई भी कुछ भी निर्माण कार्य सड़क कुछ भी नहीं कर सकता, ये बात मेरे को भी क्लियर है, आपको भी क्लियर है। अब आप बताइए कि साहब आपकी जमीन के ऊपर क्या अतिक्रमण हुआ है और किसने किया? आते हुए सर परमिशन दिए सर अपने आप। आपको कहीं से बनाए, हमें क्या लेना देना सर। और सुनिए, हम मार गए, सुनिए सुनिए, या फिर आप परमिशन को चैलेंज करिए। परमिशन को चैलेंज किया है क्या आपने? सर मैं आप, अरे आप पिटीशन में बताओ यार मेरे को 25/6/2016 आप मुझे पिटीशन में बताइए कि दो सर अपने एक खारिज कर दूंगा 2 मिनट के अंदर, अगर जवाब नहीं दोगे तो सर 25 इसमें लगा। आपसे मैंने पूछा है कि आपने पिटीशन में इस बात को चैलेंज किया है कि ये जो परमिशन दी गई है ये गलत दी गई है, इतना दिखाओ मेरे को। माननीय न्यायालय से निवेदन मेरा, माननीय न्यायालय से निवेदन बिल्कुल सही है जी। आप मुझे इतना तो बताइए, 19/603 में आदेश पारित हुआ था सर अपने, चलिए मैं पढ़ के कर दूंगा सर। TNCP भोपाल को सर निर्देशित किया आपको, सर। आपको मैं आपका पिटीशन पेज क्रमांक 4 पैरा क्रमांक 2 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कराया श्रीमान अपने, आवेदक की भूमि या किसी अन्य भूमि का अतिक्रमण पाया जाता है उसको हटा के देनी जवाबदारी। आपने उन लेआउट्स की जो परमिशन जिसमें 12 मीटर मार्क दिखाया गया है उनको चैलेंज किया है क्या? सर 2015 में किया था सर अपने, इसमें उसमें क्या हुआ सर? 2015 सर TNCP भोपाल, अरे हुआ क्या? हाँ या ना जवाब दो सर। आदेश पारित करे ना 25/1/2016 को आदेश पारित करे माननीय न्यायालय ने, डायरेक्शन दिया सर अपने TNCP भोपाल को सर। क्या सर? एनेक्सर 2 अपने सर अपने है सर, प्रदर्श 2 जो है क्या है? एक मिनट सर, आपका रिप्रेजेंटेशन डिसाइड करने का था। वो पिटीशन की कॉपी कहाँ है सर? 19/603 सर, 19/603 के अकॉर्डिंग जो आदेश पारित हुआ वो लगे। पिटीशन की कॉपी कहाँ है सर? पिटीशन की कॉपी आपने चैलेंज क्या किया था ये तो देखना है ना मेरे को सर। 21 नंबर पर है सर, 21 नंबर पे 21 जी। अच्छा सर, इसका पेज क्रमांक 4 पैरा क्रमांक 2 में कोई बात, शांति धीरे चलेंगे यार जी सर। कहाँ है सर आपकी पिटीशन की कॉपी? पिटीशन के अकॉर्डिंग जो आदेश पारित हुआ सर वो है सर अपने, सर उसमें उल्लेखित। मैं कुछ नहीं समझा सकता आपको सर, मैं अभी लगाने में असमर्थ रहा हूँ सर इसमें सर अपने। कानूनी मुकदमे ऐसे नहीं लड़े जाते सर। माननीय न्यायालय, माननीय न्यायालय उपकार करने के लिए नहीं है, माननीय न्यायालय आपके हर हित की सुरक्षा करने के लिए। राइट सर, इसमें सर उल्लेख सुनिए, मैंने आपसे साफ साफ कह दिया कि आपकी जमीन की 1 इंच पे भी कोई भी बेजा कब्जा नहीं कर सकता जी श्रीमान। ये संविधान आपको सुरक्षा देता है और उस सुरक्षा को हम पूरी तरीके से बार प्रयास किया गया सर। प्रयास से हमें मतलब नहीं है, न्यायालय के आदेश। आप ये बताइए कि इस पिटीशन में आपने उस लेआउट या उस परमिशन को जिसमें कि 12 मीटर फोर को डिसाइड मैस्टर जिसमें आप
इनको 12 मीटर सड़क चौड़ी रखने का अनुमति दी गई है, वो कहाँ चैलेंज किया आपने, इतनी बात बताइए, हाँ या ना? मेरे हिसाब से चैलेंज नहीं किया गया। जिम्मेदारी तय करिए सर, नगर पालिका निगम। अरे भाई साहब बस हो गया, राइट? आपकी जमीन के ऊपर भेजा कब्जा करने के लिए किसने और कब प्रयास किया और कितनी जमीन पे भेजा कब्जा हो गया, ये बताइए मेरे को। सर, किस प्राइवेट कॉलोनाइजर ने आपकी जमीन के ऊपर कब्जा करने का कोशिश की? सर हरियर कुंज कॉलोनी सर, उसको पक्षकार बनाया सर, उसको वीडियो सूचना पत्र पक्षकार बनाया। नहीं सर, नगर पालिका निगम पक्षकार बनाया क्या? सीधा जवाब दो मेरे, नहीं बना पाया सर। फिर आप उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पाएंगे, कार्रवाई चल रही है, आप कुछ नहीं बोल पाएंगे उसके खिलाफ। आप बोलते रहिए, मैं नहीं लिख पाऊंगा उसके खिलाफ। नगर पालिका निगम ने कार्रवाई करी है उसके विरुद्ध सर, करने दीजिए ना। आपकी जमीन के ऊपर कोई एंक्रोचमेंट अभी हुआ नहीं है, आप जबरदस्ती दूसरों की परमिशन से दुखी हैं और उन परमिशन को आपने चैलेंज नहीं किया है। भी परमिशन के निरस्त करने के आप बताइए कि सर कहां पे जमीन है आपकी, आप नक्शा नजरी नक्शा बताइए सर। जी सर, सर 37 नंबर पेज अपने 37 पे है जी, पूरा एंटीसिपेशन पे पिटीशन दिख रही है। मैंने टाइम तो नहीं दूंगा सर, सर इसमें नजरी नक्शा लगा हुआ है सर अपने, पेज नंबर बताइए सर। 37 सर अपने, 37 जी सर। सर 22/11/2023 का अभ्यावेदन है सर, माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत करा हमने सर। ये नजरी नक्शा किसको कहते हैं, आपके द्वारा बनाए गए को नजरी नक्शा कहते हैं? यही की राजस्व नक्शे पर भी है सर अपने, आपके न्यायालय को समझाया गया सर अपने, खंडवा कलेक्टर महोदय। अच्छा, कलेक्टर साहब को समझा दिया सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब हमें भी समझा दीजिए, आपकी जमीन कौन सी है इसमें? सर 217/2, इसमें साफ दिख नहीं रहा, थोड़ा सा बताइए कौन सी टाइप कॉपी है? सर इसकी टाइप कॉपी भी दीजिए सर अपने। अरे टाइप डी कॉपी तो है मेरे पास, खंडवा सियाड़ा मुख्य मार्ग है सर अपने। भाई साहब मैं खंडवा नहीं गया और गया भी हूँ तो मुझे उससे अपनी पर्सनल नॉलेज से कोई लेना देना? सबसे नीचे से लगा हुआ है सर अपने। आप ये पढ़ के बता दीजिए सर, इसमें कुछ हेरा फेरी नहीं, मतलब कुछ लिखा पढ़ी नहीं करेंगे जी सर, इसमें से क्या पढ़ सकता हूँ ये बता दीजिए। आप कुछ नहीं लिखेंगे उसमें? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं लिखूंगा सर। उसमें क्या लिख रहा है? टाइप कॉपी लगा ही सकते हैं। हाँ बताइए, पेज नंबर क्या सर? एक सेकंड, अब ये 32 नंबर देख लीजिए, उसमें भी आपने निकाल दिया ना। 32 नंबर पेज देख लीजिए, उसमें भी नजरी नक्शा लगा हुआ है आपका। अरे कौन सी जगह लगा, बस उतना बताओ, 32 पे देख लें जी सर। आपकी कौन सी जमीन है? सर 217/2, 217/2, ये तो वैसे ही कुछ दो भी गायब है इसका तो। चलो ये कुछ ट्रायंगल टाइप की है ना जी सर, तिरछी सी जमीन है जी। अच्छा, एक तरफ 216 दिख रहा है जी सर, शासकीय मार्ग है सर, ये 4 मीटर मार्ग, 4 मीटर। उसके बाजू में क्या है सर? 214 गांधीनगर कॉलोनी है सर, कॉलोनी है जी सर। सर 81 की कॉलोनी है सर अपने। अरे 85 की हो, क्या लेना देना सर इसमें? ये इस मार्ग से कितनी दूर है सर? मैडम प्लीज एक सेकंड, आप कितने दूर है सर मेरी भूमि से अपने? नहीं, मार्ग से, खंडवा सियाड़ा मुख्य मार्ग से। मुझे नहीं मालूम है, जो आप बीच में पतली 4 मीटर की रोड बता रहे। जी जी सर, सर ये 40 फीट मार्ग है सर अपने। अपना तो अपना नहीं जी, आपने ये 214 और 217/2 के बीच की जो पतली सी स्ट्रिप दिखाई है, 216 शासकीय मार्ग है सर, वो कितना चौड़ी जमीन है? 4 मीटर सर। अच्छी बात, ये आदेश में उल्लेखित है सर अपने, 4 मीटर है जी श्रीमान। अच्छा, इसके बाद ये जो आपकी कॉलोनी है वो कितनी दूर है सर? खंडवा सियाड़ा मुख्य मार्ग 300 मीटर अंदर है। अरे पतली रोड से कितनी दूर है सर? 300 मीटर 300 मीटर है साइड में जी सर। 300 मीटर कितना मीटर साइड में लगी? तो लगी भी आपसी में लगी हुई सर, मुझे नहीं मालूम है सर। आप पूर्व दिशा की बात कर रहे हैं कि उत्तर दिशा की? ये थोड़ा कंफ्यूज, दोनों दिशा में बार बार बोल रहा हूँ, पतली रोड के बताओ, आप जबरदस्ती चौड़ी रोड पे जा रहे हो सर। पतली दिशा के पूर्व तरफ लगा 214 गांधीनगर कॉलोनी सर अपने। ये जो आपने बीच में पतली सी रोड लगाई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, बस 216 है जी सर। ये कितनी चौड़ी है? 4 मीटर जी सर।
ये पूरा ये 216 का चौड़ाई कितनी है, चाहे सड़क कितनी भी हो, ये सरकारी जमीन की चौड़ाई कितनी है? सर 4 मीटर है दूरी, सर इसकी लगभग 600 मीटर है सर अपनी 600 मीटर जी, है। दूरी सर 600 मीटर है अच्छा, अपनी इसके साथ में लगी हुई कॉलोनी है। जी सर। 214 अब आपको डर ये है कि 12 मीटर सड़क बनी तो आपकी जमीन पे आ जाएंगे, सर बराबर सर अपने, पर बराबर ना? सब 214 में तो मार्गदर्शिता तो वो कोई बात नहीं, है अगर हम जी। ये कह दें कि आपकी जमीन के ऊपर बिना आपकी जमीन को खरीदे हुए या एक्वायर किए हुए जी कोई भी निर्माण कार्य नहीं होगा, जी तो आपके सुरक्षा हितों की सुरक्षा होगी कि नहीं होगी? सर 100% होंगी सर, आप कह देंगे तो बस सर 100% होंगी सर। बाकी जो परमिशन का आधार क्या सर अपने, आपने 80 81 एक सेकंड लगेगा मुझे खारिज करने में, जो चीज आपने चैलेंज नहीं की उसके ऊपर जबरदस्ती बहस करे चले जा रहे हो। मैं सीमांकन करवाना हाँ चाहता शर्मान जी, क्या गप मारने नहीं आए आप? हूँ। अच्छा ठीक है, मैं देखता हूं सर। आपको तो दूसरों की परमिशन से दुख है, अपनी पिटीशन अपनी जमीन से कोई लेना देना नहीं है। यह तो साफ दिख रहा है कि मैलाफाइड इंटेंशन से पिटीशन है। आप चाहते हैं नहीं कि वहां पे कोई कॉलोनी ना बने। व्हाट सर ऑलरेडी एवर इट इज, सर मुहूर्त प्रमाण व्हाट पत्र एवर इट इज, आपकी जमीन से आपको सुरक्षा नहीं चाहिए है, आपको परमिशन से तकलीफ हो सर रही है। भाई विकास अनुमति व्हाट अनुसार एवर इट इज, बस ठीक है सर। आपको अपनी जमीन की सुरक्षा नहीं चाहिए, आपको परमिशनों से तकलीफ हो रही है, और परमिशनों को आपने चैलेंज नहीं किया है। जिस चीज को आपने चैलेंज नहीं किया है उस सर हो गया सर, हो गया सर, प्लीज दो थैंक हजार यू, पंद्रह में आई विल गो थ्रू इट चैप्टर एंड देन आई विल पास दी ऑर्डर। सिंह सर सेवन लोकसभा थ्री नीरज सिंह चौहान। इन दिस केस पिटिशन हैज बीन लिमिटेड प्रेयर टू हाँ डायरेक्ट टू द रेस्पोंडेंट अथॉरिटीज रेवेन्यू अथॉरिटी टू डिमार्केट द लैंड ऑफ द पिटिशनर बाय द टीम।